सोलो गाइज एपिसोड फोर्थ में एडवांस ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का एपिसोड फोर है और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महान गुणों के बारे में, यानी कंप्यूटर के बारे में जो गुण होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए सारी कुछ क्वालिटी यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, कौन कौन सी फील्ड में उसका उपयोग हो सकता है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी बात के स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की है कंप्यूटर की। जैसे कि आप जानते हो कि स्पीड की मामले में, एज यू नो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, जैसा कि कंप्यूटर बहुत तेज फास्ट वर्क कर सकता है। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन, ये जो है बहुत ही कुछ सेकेंड लेता है कैलकुलेशन करने के लिए। दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट, जो हम घंटों लगा देते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवन मोर पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और इससे भी ज़्यादा जो है पर सेकेंड में परफॉर्म कर देता है, इतनी इसकी फास्ट स्पीड होती है कैलकुलेशन करने की। ठीक है, पहला ये गुण हो गया। दूसरे की बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड विद सेम एक्यूरेसी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सही चीज़ मतलब ये कंप्यूटर देता है हमेशा, मतलब कोई भी कैलकुलेशन आप करवा लो ये नहीं कि थक गया तो गलत दे दे, नो, हमेशा एक्यूरेसी इसकी बहुत सही होती है, एकदम करेक्ट एकदम एक्यूरेसी आती है। आप जब तक गलत इनपुट ना दो तब तक ये गलत रिजल्ट नहीं दिखाएगा, यदि आपने गलत इनपुट दिया होगा तभी ये गलत रिजल्ट दिखाएगा, यानी कि एक्यूरेसी इसकी बढ़िया होती है। एक्यूरेसी लेवल यहाँ पे 7 बताया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम मान सकते हो। डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर द एरर्स कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनक्यूरेट डेटा। यहाँ पर वही बताया गया है कि जब तक यहाँ पे इंसान नहीं करेगा गलती तब तक ये गलत डाटा दिखाएगा नहीं, यानी कि एक्यूरेसी यानी कि सही बिल्कुल एकदम दिखाता रिजल्ट आउटपुट में। तीसरी चीज़ है डिलीजेंस। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर जो है कभी भी थकता नहीं है, टायर्डनेस ठीक है कभी भी नहीं थकता है, डिलीजेंस बिना मतलब थके काम करता है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें कोई ये नहीं होता है कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा यदि ज़्यादा देर काम कर लिया है ना। और इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, ये जो है घंटों काम कर सकता है बिना कोई एरर दिए, ठीक है कभी थकता ही नहीं है, डिलीजेंस इसी का मतलब है। इफ मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड अ कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी, यदि मिलियंस ऑफ जो है मतलब परफॉर्म करने हो कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, तो उसको भी सेम एक्यूरेसी से बिना थके रिजल्ट देगा। ड्यू टू दिस कैपेबिलिटी इट ओवर पावर्स ह्यूमन बीइंग इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क, इस कैपेबिलिटी इस क्षमता के कारण ये जो है आदमियों को भी पीछे छोड़ देता है, तो ये डिलीजेंसी होगी। चौथी इसकी देख लेते हैं वर्सेटाइलिटी, यानी कि मतलब एक ही व्यक्ति जिसके पास अनेक गुण हो उसको हम वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्सेटाइलिटी की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो आपके बाद बहुत सारे काम कर सकता है। इट मींस द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, देखिए वही चीज़ बताई गई है, कितने काम आप कर सकते हो आपकी वर्सेटाइलिटी पर डिपेंड करता है। यू मे यूज योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप्स, यहाँ पे बताया गया है कि पेरोल स्लिप निकालने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट यू मे यूज इट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए डेटा स्टॉक में कितना है कितना नहीं है। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, इसी को वर्सेटाइलिटी कहते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करने की क्षमता, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जितनी मेमोरी उसमें रखोगे उतनी ज़्यादा वो याद करने की उसकी क्षमता होती है। कंप्यूटर हैज द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉल्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड, एक बार स्टोर कर दो जब पाओ तब उसको मंगवा लो, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे बस एक बार डाल दो उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े तब एक्सेस कर लो, वो तो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है ना, कितना आपने हार्ड डिस्क लगाया कितना आपने SSD लगाया, वहाँ के आपको पढ़ाऊंगा। इट डिपेंड्स इंटायरली अपॉन यू हाउ मच डेटा यू वांट टू स्टोर इन अ कंप्यूटर एंड व्हेन टू लूज या रिट्रीव दिस डाटा, और कभी भी चाहो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। छठी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि कंप्यूटर इज अ डंप मशीन, यानी कि एक तरीके से ये डंप मशीन है, ठीक है एकदम मतलब निर्जीव चीज़ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसके पास जो है IQ नहीं होता है। IQ का मतलब ये होता है कि मतलब इसके पास खुद से कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, जब तक आप इससे कुछ कहोगे नहीं तब तक ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर इसके पास खुद का कोई काबिलियत नहीं है, ये इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से प्रयोग में लेता है, इसके बाद खुद का कोई IQ नहीं है। ठीक है, IQ मतलब बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है। और कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर,
यूजर से जब तक इंस्ट्रक्शन ना मिले तब तक ये कोई काम नहीं कर सकता है। इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन एट ट्रिमेंडस स्पीड विथ एक्यूरेसी। ये जो है अपरिमित स्पीड से और एक्यूरेसी से इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। इट इज़ यू टू डिसाइड दैट यू वांट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस। सो कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन एच यू कैन। यहाँ पे जो है कंप्यूटर अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता है, यानी कि कुल मिलाकर उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। जैसा इंसान काम करवाएगा वैसे ही काम करेगा, यानी कि खुद के उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास कोई IQ नहीं होता है। नो फीलिंग, यानी कि इसके पास कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। मतलब चाहे जितना भी गलत काम हो या फिर जितना भी अच्छा सही काम हो, उसको जो आप इनपुट दोगे वो काम वो कर देगा। उससे इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप मतलब ये काम से अच्छा होगा या बुरा होगा। इफ डज नॉट हैव फीलिंग और इमोशन टेस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब इसके पास ना तो इमोशन, ना टेस्ट, ना नॉलेज, ना एक्सपीरियंस, कुछ नहीं होता है, ना फीलिंग, ठीक है। जैसे एटम बम का ले लो, वो भी एक कंप्यूटर का ही चीज़ है, ठीक है। जब फटना होता है तो फिर ये थोड़ा देखता है कि कहाँ पर फटना है कहाँ पर नहीं फटना है, पट जाता है। तो वही चीज़ है कि इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नो फीलिंग। थस इट डजन गेट टायर्ड इवन आफ्टर लॉन्ग ऑफ आवर वर्क। इट डजन डिस्टिंग्स बिटवीन यूजर, और ये जो है लोगों के बीच में अंतर नहीं करता। ये नहीं कि मतलब हम कंप्यूटर बैठ गए तो ये चलेगा, दूसरा कोई बैठ जाएगा तो चलेगा नहीं। मतलब ये तो मतलब फीलिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, वो तो सबके हाथों में चलेगा, ठीक है। चलिए आठवां नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, स्टोरेज। द कंप्यूटर हैज एन इनबिल्ट मेमोरी। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसमें स्टोरेज स्टोर हो जाता है। कोई भी डेटा आप स्टोर करना चाहो, वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यू कैन आल्सो स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनको हम इनबिल्ट मेमोरी कहते हैं, जो कंप्यूटर में लगी लगाई होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो हम लगाते हैं अलग से, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोर किया जाता है, जबकि ये इनबिल्ट होती है, उसमें कुछ फंक्शन पहले से ही कंप्यूटर में पड़े हुए आते हैं। आगे आपको पता चलेगा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, दो तरह की होती है इतना समझ लीजिए। विच कैन बी कैप्ट आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैन बी कैरीड टू अदर कंप्यूटर्स। जो सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं वो आप लगाते हैं, तो उनको आप एक कंप्यूटर में लगा सकते हो या फिर कोई अदर कंप्यूटर में भी लगा सकते हो। चलिए नवा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, एफिशिएंसी, क्षमता। द कंप्यूटर्स आर नॉट ओनली फास्ट बट आल्सो द इंफॉर्मेशन प्रोसीड टू हाईली एफिशिएंट एंड एक्यूरेट। कंप्यूटर से तेज काम ही नहीं करता, बल्कि जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड किया जाता है वो बहुत ही एफिशिएंट एंड एक्यूरेट सही होती है। दसवीं नंबर है रिलायबल। कंप्यूटर आर हाईली रिलायबल फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। कंप्यूटर जो है लंबे घंटों के लिए काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल अच्छे होते हैं। कैन डू हैवी अमाउंट ऑफ वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन अनलाइक ह्यूमन। जैसे आदमी कोई लॉन्ग जो काम है वो नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है। इसको बस इलेक्ट्रिसिटी में टूसे हो काम होता रहेगा। चलिए अब यहाँ पे हम बेसिक एप्लीकेशंस कंप्यूटर के देख लेते हैं, कंप्यूटर के आप कुछ हम प्रयोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण के बारे में पता लगाया, क्वालिटी के बारे में। अब हम कंप्यूटर के उपयोग देखेंगे, किस किस फील्ड में क्या क्या उपयोग होते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो बुक उसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इस बुक को आप चाहो तो 99 रुपये में अपना बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाओ, इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी दे दो और यहाँ पे पेमेंट कर दो 99 रुपये का, और आपको ये जो है आपकी जीमेल आईडी पर विद इन 24 आवर भेज दी जाएगी। चलिए उसी बुक पर अगेन आ जाते हैं। तो ये एपिसोड थर्ड है, ये एपिसोड फोर्थ है, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के बीच में बता दूं एपिसोड फोर्थ है, और पिछले सारे एपिसोड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देख लीजिए जा करके, एपिसोड चौथा है। चलिए अब इसके हम कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं कंप्यूटर के। तो बिजनेस के फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर हैज हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंस, परिश्रम करने की क्षमता, एक्यूरेसी, सही एकदम रिजल्ट देना, रिलायबिलिटी, इस पर विश्वास किया जा सकता है, वर्सेटैलिटी के कारण, इन सारे गुणों के कारण, कैलकुलेशन, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी, विच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तमाम बिजनेसों में जो है इन गुणों के कारण कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस में किया जाता है। कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पूरे पेरोल कैलकुलेशन, बजट बनाने में, सेल्स की एनालिसिस करने में, कितना बिचा कितना माल नहीं बिचा, कौन से मंथ में कितना बिचा, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में,
जो वित्तीय मतलब आने वाले समय में हमारे पास कैसी फाइनेंशियल कंडीशन रहेंगी उनकी एनालिसिस या भविष्यवाणी करने में, मैनेजिंग एन एम्प्लॉय डेटाबेस अधिकारी मतलब जो उसमें कर्मचारी हैं उनका डेटा मैनेज कर डेटाबेस रखने में, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक की स्टॉक में क्या बचा क्या नहीं बचा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन दुनिया की जो हो गई वो अपने मेंटेनेंस जो स्टॉक का करते हैं वो सारा कुछ कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे बिजनेस का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग तो हर कोई जानता है। टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटीज, ठीक है, ऑनलाइन अकाउंटिंग। अब जैसा कि आप नेट बैंकिंग दुनिया का बैंकिंग यूज करते हो सब वही पर डिपेंड है। विच इंक्लूड चेकिंग करेंट बैलेंस, करेंट बैलेंस चेक करना, डिपॉजिट करना, ओवरड्राफ्ट करना, चेकिंग इंटरेस्ट चार्ज मतलब क्या ब्याज दर है, शेयर और ट्रस्टी रिकॉर्ड आदि इत्यादि वगैरह। एटीएम मशीन विच आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मेकिंग इट इवन इजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक्स, ठीक है, जानते हो मैं एटीएम मशीन का किस लिए उपयोग होता है, यह भी कंप्यूटर का ही यूज है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड अप टू डेट कंप्यूटर से रखती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल हाउस स्टॉक ब्रोकरिंग फॉर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर दियर कंसर्न्स। इंश्योरेंस कंपनी आज मेंटेनिंग ए डाटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोइंग। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस जो कंपनी होती है जो भी डेटाबेस अपने कस्टमर का है वो मैनेज करना, सारा कुछ डेटाबेस जो रिकॉर्ड है कंप्यूटर में स्टोर कर सकती हैं, मतलब इंश्योरेंस में इसका बीमा में उपयोग आ सकता है। प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज कि मतलब हमारी पॉलिसी का लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना, एसईओ के द्वारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हालांकि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अलग है, ये मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है, वो एसईएम होता है, हालांकि उस पर ना चलते हुए बीमा इसका उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी मतलब बीमा जो आपकी योजना है मतलब इंश्योरेंस में जो भी पॉलिसी है उसकी डेट कब स्टार्ट होने वाली, इसका मैसेज देना। नेक्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट कब है उस पॉलिसी की, कब आपको पे करना है, मैच्योरिटी डेट, इंस्टेंट ब्याज आपको कब देना है, डू मतलब कितना आपका ब्याज हो गया, और सर्वाइवल बेनिफिट और बोनस आदि इत्यादि, ठीक है। अब जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बीमा कंपनी में काम करता नहीं हूँ। एजुकेशन का यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो है एजुकेशन का क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBE, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। कंप्यूटर जैसे कि कोरोना महामारी के बाद कंप्यूटर से ही मतलब सारी पढ़ाई रह गई, ठीक है। तो एजुकेशन का भी क्षेत्र है और ये सब जानते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कितना कंटेंट पढ़ा है, मोबाइल भी आपका तो कंप्यूटर का एग्जांपल है ना। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि वही वाला कंप्यूटर जैसा कि आप समझते हो, कैलकुलेशन जो करे वो कंप्यूटर, बात खत्म। CBE नोट इन्वॉल्व्स कंट्रोल डिलीवरी एंड इवेल्युएटिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन CBE का वर्ड, CBE जो शॉर्टकट यूज किया जा रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन जो है इन्वॉल्व करता है कंट्रोल डिलीवरी एंड इवेल्युएटिंग ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर एजुकेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर्स ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट, जैसे कि इसका जो नंबर ऑफ ग्राफ है जो कंप्यूटर एजुकेशन सीखने वाले रोज बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया वेब 3 की तरफ जा रही है। देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड इन विच द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन यूज अ कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, 3D में दिखाने के लिए, मतलब यदि कंप्यूटर का यूज लिया जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है विजुअल करके आपको दिखाई जा सकती हैं और काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कंप्यूटर का उपयोग लिया जा सकता है एजुकेशन में। इट इज यूज टू प्रिपेयर अ डेटा बेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, एनालिसिस इन इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करने में, उसके एनालिसिस करने में, उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा आदि इत्यादि के लिए कंप्यूटर एक बढ़िया है जो AI का यदि हेल्प लिया जाए तो काफ़ी और अच्छा काम कर सकता है। मार्केटिंग के भी क्षेत्र में कंप्यूटर का एक योगदान है। इन मार्केटिंग यूजेज ऑफ द कंप्यूटर आर फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में कैसे है। एडवर्टाइजिंग में यानी कि विज्ञापन में, विद कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट एंड डिसिमिनेट एड्स विद द गोल ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे मार्केटिंग के क्षेत्र में ले लो प्रचार के लिए, तो प्रचार में आपको एक शब्द निकल के आता है SEM। क्या होता है SEM, मैं आपको बताता हूँ। SEM का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने सुना होगा अभी तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जी हाँ उसी का एकदम रूप है ये अलग। ये होता है SEM, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता था इसका आप सिंपल सा अगर दो लाइनें वो पकड़ लो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये दरअसल एक तरीके से जुगाड़ है, आर्ट है कि हम किस तरह से
कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर के पास हम कैसे पहुंचे, इसका आपने जुगाड़ करना, यदि रिसर्च करना आपको आ गया तो समझ लीजिए आप SEM कायदे कानून का कर लेते हो। यही है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है और ऑनलाइन माध्यम से हम कस्टमर के पास कैसे पहुंचे, इस तरह से कंप्यूटर का जो है उपयोग लिया जाता है। और साथ ही आप इतना तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है एड बनाने में, प्रचार करने में, मतलब बढ़िया एकदम दिखाने में कि हाँ देखो एकदम मक्खन जैसा है खरीद लो, तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर कर सकता है, आपके लिए बढ़िया तैयार कर सकता है। होम शॉपिंग हैज बीन मेड पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटराइज कैटलॉग्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड परमिट डायरेक्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर्स टू प्रिपेयर्ड बाई द कस्टमर। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखते होंगे कि लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरी कैटलॉग दिखाने में कि कौन सा सस्ते, मतलब सस्ते से महंगो, महंगो से सस्तो, तो उस तरह से सारे प्राइस और दिखाना, ऑर्डर करना स्टॉक में है या नहीं, ये सारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है सारा कुछ मार्केटिंग में किया जा सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है आपके सारे रिकॉर्ड। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का योगदान होता है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर में यहाँ पे दिखा बताया गया है कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स लैब्स डिस्पेंसरीज दे आर बीइंग यूज्ड इन हॉस्पिटल टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन, दवाइयों का मरीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग डिफरेंट डिसीजेस, स्कैनिंग में और विभिन्न रोगों का पता लगाने में, ECG मशीन, EEG मशीन, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैंस एक्सेट्रा आर ऑल्सो डन बाई कंप्यूटराइज मशीन। ये जितने भी आप नाम अपने सुने, ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन, ये सब कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। फॉलोइंग आर द सेम मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर आर यूज, डायग्नोसिस सिस्टम में, लैब डायग्नोसिस सिस्टम में, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, सर्जरी में, सब में कंप्यूटर का यूज लगभग लगभग होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर आर वाइडली यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज, वन ऑफ द मेजर एरियाज इज कंप्यूटर। इंजीनियरिंग में कहाँ पे आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपने अभी पिछला एपिसोड थर्ड में आपने देखा होगा, मैंने कैड शब्द लिया था नाम, जब मैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर का टाइप पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो यह इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जहाँ पे हम किसी भी आर्किटेक्चर को जो है वर्चुअली डिजाइन को करके तैयार करते हैं, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में काम आता है। प्रोवाइड सेक्रेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज, सम ऑफ द फील्ड्स आर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे कोई रिक्वायर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस फॉर डिजाइन ऑफ शिप्स, बिल्डिंग्स, बजट एयरप्लेन्स के, मतलब इनकी सबकी आर्किटेक्चर डिजाइन करने में वर्चुअली स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर डील्स विद डिजाइन इम्प्लीमेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पेल्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जैसे 2D में, 3D में कोई ड्राइंग बनाना फिर उसको एक असल दुनिया में उतार देना, या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो कि आप वर्चुअल पहले कंप्यूटर पर बना करके दिखाई जाती है, यदि जो है प्रोजेक्ट अच्छा आता है गवर्नमेंट को तो पास हो जाता है। यही है अपनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। बात कर लेते हैं मिलिट्री के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। कंप्यूटर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं, मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल, वेपन्स। मिलिट्री आल्सो एम्प्लॉयज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम, सम मिलिट्री एरियाज वेयर कंप्यूटर हैज बीन यूज्ड फॉर, मिसाइल कंट्रोल में, मिलिट्री की कम्युनिकेशन में, मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग में, स्मार्ट वेपन में, ठीक है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का भी योगदान है, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में देख लेते हैं, तो कम्युनिकेशन में तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, ईमेल हो गया, चैटिंग हो गई, यूजनेट हो गया।